नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों बारिश के मौसम के कारण केदारनाथ की यात्रा के दौरान भक्तों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में एक ऐसा चमत्कार सामने आया है जिसे देख लोग हैरान हैं, और वहां पर श्रद्धालुओं ने बताया कि आज से पहले उन्होंने कभी भी ऐसा चमत्कार होते हुए नहीं देखा। बाबा केदारनाथ धाम में जो चमत्कार हुआ है वो है केदार घाटी में खिलने वाला ब्रह्म कमल। ये फूल 3 साल पहले ब्रह्म वाटिका में स्थापित किए गए थे और इस बार ये पूरी तरह से खिले हुए हैं, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म कमल एक ऐसा पौधा है जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है और ब्रह्मा जी के नाम से ही इसका नाम ब्रह्म कमल पड़ा है। जब केदारनाथ के कपाट खुलते हैं तो उस समय ब्रह्म कमल से ही उनकी पूजा की जाती है, और इस समय वहां पर 5 ब्रह्म कमल खिले हुए हैं, जो बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करने आए भक्तों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म कमल के पौधे में 1 साल में केवल 1 बार ही फूल आता है, जो कि सिर्फ रात में ही खिलता है, और इसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है, जिसने द्रौपदी को इसे पाने के लिए व्याकुल कर दिया था। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हमारा आपसे निवेदन है, अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।